हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो प्रेजेंटेड बाय तरुणा शर्मा। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। सेकेंड लेक्चर का क्रेडिट है 5 मार्क्स। सो स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैज सम कैरेक्टरिस्टिक कॉमन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना, प्लांट्स के कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? फर्स्ट, फॉर ईजी एंड क्विक कल्चरल ऑपरेशन, ईजी और क्विक कल्चरल ऑपरेशन के लिए। और सेकेंड, फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन। फर्स्ट, हम लाइफ स्पैन के बेसिस पे कर सकते हैं। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स यूज्ड फॉर कंजप्शन। फिफ्थ, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लीव्स आर शेड ड्यूरिंग द ईयर। सिक्स्थ, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिविटी। सेवन, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। सो हम इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन लाइफ स्पैन के बेसिस पे। लाइफ स्पैन के बेसिस पे हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। एनुअल्स क्या होता है? प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 सीजन और 1 ईयर। एनुअल्स क्या होते हैं? जो अपना लाइफ साइकिल 1 सीजन और 1 ईयर में कंप्लीट कर देते हैं। एग्जांपल, टोमेटो, बालसम, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। ओके, सेकंड, बाइनियल्स। बाइनियल्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन और 2 ईयर्स। बाइनियल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल, अनियन, केबिज, ट्यूबरोस एक्सेट्रा। थर्ड, पेरेनियल्स, प्लांट्स विच रिक्वायर मोर देन 2 ईयर्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। पेरेनियल्स क्या होते हैं? जो अपने लाइफ साइकिल 2 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम लगा देते हैं लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। एग्जांपल, मैंगो एंड बनाना। मैंगो किसका एग्जांपल है? वुडी पेरेनियल। मैंगो का स्टेम कैसा होता है? वुडी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वुडी पेरेनियल। एंड बनाना, बनाना का स्टेम कैसा होता है? सॉफ्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हर्बेशियस पेरेनियल। सो द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करेंगे, टेम्परेचर के बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है? इन टेम्परेट रीजन द टेम्परेचर इन विंटर सीजन फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेट रीजन में क्या होता है? विंटर के टाइम पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, मीन्स माइनस डिग्री में टेम्परेचर होता है। द क्रॉप्स शेड देयर लीव्स एंड गो इन टू रेस्ट। ये क्रॉप्स क्या करती है? अपनी लीव्स को शेड कर देती है और रेस्टिंग पीरियड में चली जाती है। दिस चिलिंग टेम्परेचर हेल्प्स द प्लांट टू पुट फोर्थ न्यू ग्रोथ। इस चिलिंग टेम्परेचर में, इतने ठंडे टेम्परेचर में क्या होता है? प्लांट्स अपनी न्यू ग्रोथ की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, लीव्स तो शेड हो जाती है, अब वो वापस से ग्रोथ होने के लिए प्रिपेयर होता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। अब क्या होता है? इस रेस्टिंग पीरियड के बाद जैसे ही स्प्रिंग आती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, फ्रूट्स, टेम्परेट रीजन के फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? एप्पल, पियर, आमंड एंड वॉलनट। स्पाइसेस, सेफ्रोन, काला जीरा, एसोफोइटिडा। वेजिटेबल्स, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ये टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। सो सेकेंड इज़ द सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है? इन सम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट द समर आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर आर लेस माइल्ड।
सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, समर तो हॉट एंड ड्राई होते हैं और विंटर लेस माइल्ड होते हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं होते। इसके एग्जांपल क्या है, फ्रूट्स, फ्रूट्स कौन से, सिट्रस, ग्वावा, पोमग्रेनेट एंड फिग। स्पाइसेस, टर्मरिक, जिंजर, अनियन एंड गार्लिक। वेजिटेबल्स, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड पोटेटो। नेक्स्ट, सो द थर्ड टाइप इज ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है, द क्लाइमेट इन सच एरियाज आर हॉट एंड ह्यूमिड इन समर एंड माइल्ड इन विंटर। ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का भी क्लाइमेट कैसा होता है, समर में तो हॉट एंड ह्यूमिड होता है और विंटर में माइल्ड होता है। फ्रूट्स, इसके एग्जाम्पल क्या है फ्रूट्स के, मैंगो, बनाना एंड पाइनएप्पल। स्पाइसेस, ब्लैक पीपर, टर्मरिक, जिंजर एंड क्लोव्स। प्लांटेशन क्रॉप्स, कोकोनट एंड कोको। वेजिटेबल्स, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड अनियन। सो द थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। थर्ड क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रखा है, ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, वो कैसे ग्रोथ कर रहा है। सो द फर्स्ट टाइप इज ट्रीज। ट्रीज आर द प्लांट्स विच हैव अ डिस्टिंक्ट स्टेम और ट्रंक विच मे बी वुडी और हर्बेशियस। ट्रीज ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड स्टेम होता है, ट्रंक होती है, कैसी, वुडी और हर्बेशियस हो सकती है। वुडी का मतलब एक हार्ड स्टेम और हर्बेशियस का मतलब सॉफ्ट होना। फर्स्ट टाइप इज वुडी ट्रीज। दिस प्लांट्स हैव हार्ड एंड फाइब्रस ट्रंक एंड ब्रांचेस, ठीक है। वुडी ट्रीज में हार्ड स्टेम होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती है वो भी हार्ड होती है, एग्जाम्पल ग्वावा, एप्पल एंड मैंगो। सेकेंड, हर्बेशियस ट्रीज, दिस हैव सॉफ्ट सक्यूलेंट स्टेम। हर्बेशियस ट्री का स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट एंड सक्यूलेंट, एग्जाम्पल बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। सो द सेकेंड टाइप इज श्रब्स। श्रब्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड आर स्मॉलर इन साइज देन ट्रीज। श्रब्स क्या होती है, जिसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा होती है और जो ट्रीज से छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फाल्सा एंड कॉफ़ी। फाल्सा एंड कॉफ़ी आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। थर्ड, क्लाइंबर्स, दिस प्लांट्स अटैच देमसेल्व्स टू सपोर्ट सच एज आर्चेस और लिव्स प्लांट। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका खुद का सपोर्ट नहीं होता है, वो दूसरे प्लांट पे या किसी सपोर्ट से वो क्लाइंब करते हैं, ओके। सो इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेप्स एंड ब्लैक पेपर। ग्रेप्स एंड ब्लैक पेपर का स्टेम नहीं होता है, ठीक है, इसका स्टेम बहुत वीक होता है, इसीलिए क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं दूसरे प्लांट पे, उनका सपोर्ट लेते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स यूज्ड फॉर कंजप्शन। फोर्थ हमने किससे क्लासीफाई कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन, हम उसके कौन से प्लांट के पार्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, अनियन, एग्जाम्पल क्या है, अनियन का हम क्या एडिबल पार्ट क्या होता है, बल्ब। पोटेटो, पोटेटो का एडिबल पार्ट क्या है, स्टेम। रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट, इन सब की तो हम रूट्स ले खाते हैं, ठीक है, तो इसका एडिबल पार्ट क्या हो गया, रूट्स। पी एंड बीन्स, पॉड, टोमेटो, ब्रिंजल, कुकुरबिट्स, फ्रूट्स, ओके। सो नेक्स्ट हम फ्रूट्स के एडिबल पार्ट्स पढ़ेंगे। एप्पल, एप्पल का एडिबल पार्ट क्या होता है, फ्लैशी थैलेमस। बनाना, बनाना का एडिबल पार्ट मीजोकार्प। कोकोनट, एंडोस्पर्म, ग्वावा, थैलेमस एंड पेरिकार्प। मैंगो, मीजोकार्प। ऑरेंज, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। पपाया, मीजोकार्प। पाइनएप्पल, फ्लैशी थैलेमस। पोमग्रेनेट, एरिल। केशुनट, कोटलीडन, ठीक है। दिस टेबल इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एग्जाम पर्पज, ओके, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो द फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लीव्स आर शेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। लीव्स किस ईयर में शेड होती है। फर्स्ट है डेसीडियस, द प्लांट्स डेट आर लीफलेस और विच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर आर रेफर टू एस डेसीडियस। डेसीडियस प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी लीव को शेड कर देते हैं विंटर के टाइम पे, एग्जाम्पल एप्पल एंड ग्रेप्स।
एवरग्रीन, एवरग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं? द प्लांट्स हुज लीफ परसिस्ट द ईयर राउंड और ग्रो कंटिन्यूसली ऑल ईयर राउंड। एवरग्रीन प्लांट्स अपनी लीव को शेड नहीं करते हैं और उनकी लीव्स पूरे साल भर रहती है। एग्जाम्पल, कोकोनट, बनाना एंड मैंगो। सिक्स क्लासिफिकेशन, सिक्स क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। हम वेजिटेबल्स के बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट मोनोकोट एंड सेकेंड डाइकोट। मोनोकोट से का एग्जाम्पल क्या है? एरिकेसी फैमिली का कोलोकेसिया एंड एलिएसी फैमिली का अनियन एंड गार्लिक। डाइकोट, डाइकोट की एग्जाम्पल क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से पी एंड बीन्स एंड क्रूसीफेरी फैमिली से टर्निप एंड रेडिश। सो द नेक्स्ट बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फर्स्ट मोनोकोट, मोनोकोट का एग्जाम्पल क्या है? बनाना, मस्केसी फैमिली। सेकेंड डाइकोट, जैक फ्रूट, मोरिकेसी फैमिली। ग्रेप, वाइटेसी फैमिली। पपाया, कैरिकेसी फैमिली एंड पोमग्रेनेट, प्यूनिकेसी फैमिली। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटोपीरियडिक रेस्पॉन्स। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? फोटोपीरियडिक रेस्पॉन्स। फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट। प्लांट्स डे और नाइट में कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लॉन्ग डे प्लांट फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप शॉर्ट डे प्लांट एंड थर्ड डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, सो लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल है बनाना, पटेटो, एप्पल, अनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड रेडिश। शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, स्वीट पटेटो एंड कॉफ़ी। डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जाम्पल टमेटो, ब्रिंजल, चिली, काउपी, कुकुरबिट्स एंड ओकरा। सो ये क्लासिफिकेशन हो गया लास्ट क्लासिफिकेशन। सो गाइज, दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑफ हॉट 101 एंड अगर आपने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो हॉर्टिकल्चर का अभी तक भी चेक नहीं किया है जिसमें मैंने हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स पढ़ाए हैं, सो प्लीज़ उसे एक बार चेक कर लीजिए एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।